बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूड है के पार्ट सेकंड का, तो उसमें दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। हाँ जी, जो करंट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन से रिलेट करता है। सो ये कितनी दफ़ा ऑलरेडी हो चुकी है, ये होती है साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन, सिंपल साइन हाइपरबोलिक एक्स की। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ ये है, ये देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, तो बाकी आपके पास ये रिमेनिंग स्टेटमेंट। सो आंसर चॉइसेस देयर। इसी तरह ये यहाँ कॉज लग जाए, टैन लग जाए, वो सब कुछ आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यही ख्याल रखना है कि अगर ये साइन हाइपरबोलिक यहाँ 2 आ जाए तो फिर ये एक्स के साथ 2 मल्टीपल बनेगा, ये जो आपका ई की पावर में एक्स आ रहा है ना, तो फिर ये 2 उस एक्स का हिस्सा होगा। ये बाहर वाला 2 आप नोट कर सकते हैं किस चीज़ का हिस्सा होगा। चलिए जी, उसके बाद ये डोमेन और रेंज में से, हाँ जी डोमेन इसकी पूछी जा रही है। अब इसकी डोमेन का मीनिंग है वो एलिमेंट जो यहाँ यूजेबल हैं। अब याद रखिए जो डोमेन होती है ना, वो 2 वजह से हमें डिस्टर्ब करती है। नंबर 1, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, एक्स की जगह वो कीमत जो डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली वैल्यू को 0 कर दे, वो ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर अनडिफाइंड कर देगा। दूसरा इशू होता है स्केयर रूट के साइन के अंदर नेगेटिव क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर स्केयर रूट के साइन के अंदर नेगेटिव क्रिएट हो गया तो वहाँ से आयोटा इमेजिनरी नंबर क्रिएट हो जाएंगे, तो इमेजिनरी नंबर अंडर डिस्कशन नहीं होंगे, उससे आउटपुट नहीं मिलेगी। इमेजिनरी नंबर की कोई रियलिटी अवेलेबल नहीं होती कि हाउ मच, यानी कि उसकी वर्थ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना नंबर है, कैलकुलेटर एरर क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सिमिलरली अगर लॉग के आगे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तो भी वो इमेजिनरी क्रिएट करते हैं, इसलिए ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। यानी कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, लॉग के आगे नेगेटिव ना आए, ये चीज़ें डोमेन को कंट्रोल करती हैं, दैट्स ऑल। अब देखिए स्केयर रूट के अंदर आपका पोर्शन आ रहा है एक्स प्लस 1, दिस शुड बी पॉजिटिव, या अगर रूट के अंदर 0 भी आ जाए तो मैटर नहीं करता, इस तरह से एक्स इज़ ग्रेटर देन -1, -1 या -1 से बड़ी कीमत लगेगी, दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है, स्केयर रूट, लॉगरिथम और डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखिए छोटा सा पार्ट बदला, इसी स्टेटमेंट को हमने डिनोमिनेटर के नीचे लिखा, अब क्या फ़र्क पड़ा, ये हमारी एक्स इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहा, ये इक्वल टू का सिंबल चेंज हो गया। क्यों, इक्वल टू से स्केयर रूट इशू नहीं बना, स्केयर रूट सॉल्व हो जाएगा लेकिन स्केयर रूट सॉल्व होके नीचे 0 आ जाएगा, ये दूसरी साइड से अनडिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले इशू की वजह से, ठीक है। इधर क्योंकि ये ऊपर है इसलिए हमने वो 0 वाला ऑप्शन भी साथ रखा, तो जब 0 साथ नहीं होगा यही वाला इंटरवल आपका ओपन हो जाएगा कि ये एंड शामिल नहीं करने। इतने इतने डिफरेंसेस के साथ आपका ये एमसीक्यू का आंसर चेंज हो रहा होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 92, ये कंपोजिट फंक्शन जी ओ जी ऑफ एक्स या आपसे पूछ लिया जाता जी टू ऑफ एक्स, ये चीज़ें कंपोजिट फंक्शन में जो जिस तरह से बच्चों ने डील की हुई हैं वो आप खुद कर सकते हैं, इसलिए इस पर कोई ख़ास बात नहीं की जा रही। हाँ जी, 93 क्वेश्चन, हस्बे मामूल आप लिमिट पुट करें तो यू गेट द आंसर 0/0, गेट द आंसर 0/0 जब एक्स की जगह 2 लगाएंगे, हर जगह यही काम करवाया जा रहा है। अब फिर क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव हल करना है, न्यूमिरेटर में हल किया तो 1/2 स्केयर रूट एक्स, अगले वाले का 0, वो एक कांस्टेंट नंबर है,
हाँ जी, बटे के नीचे क्या होगा, इस एक्स का डेरिवेटिव वन, अगले वाले का कांस्टेंट का ज़ीरो। चलिए जी, लिमिट पुट करें एक्स अप्रोच टू टू, यू गेट द आंसर ऑफ दिस टाइप, दैट्स इट। यानी कि किस स्पीड से आप ये डेरिवेटिव का रूल यूज़ करते हुए अपनी आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म करनी है, ज़ीरो बाई ज़ीरो होनी चाहिए, फिर ये रूल अप्लाई करना है। ज़ीरो बाई ज़ीरो चेकिंग करने स्पेशल नहीं बैठा जा रहा, आप अपनी तरफ से लिमिट पुट करने की बात कर रहे हैं। लिमिट पुट करना हर क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है। लिमिट पुट करने से अगर आंसर डिफाइन हो जाता है तो हमारा मसला ख़त्म हुआ। अगर वही आंसर और अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो बन गया तो फिर हमने डेरिवेटिव की तरफ मूव कर लेना है। यही यानी कि एक दो चीज़ें हैं। चलिए जी, वंस अगेन साइन थीटा स्क्वायर हो गया, तो ये भी उसी तरह का सिलसिला है। जब हमने थीटा की जगह ज़ीरो लगाया तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ये फिर से आपका फॉर्मेट यही रहा। लीजिए, अब ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा, टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, क्योंकि जो ये साइन थीटा का स्क्वायर दरमियान में लिखा है ये असल में यूँ होल पर स्क्वायर होता है, जो भी स्क्वायर सेंटर में लिखा जाए। तो डेरिवेटिव लेते हुए ये टू यहाँ आएगा, पावर एक कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा। जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे वहाँ डेरिवेटिव वन आएगा थीटा का। अब आप जब लिमिट पुट करेंगे थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, तो साइन ऑफ ज़ीरो ही ज़ीरो कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके आगे बढ़िए 95 क्वेश्चन पर। लिमिट पुट करें e की पावर, ये देखिए ज़ीरो माइनस वन ओवर ज़ीरो, विच इज़ वन माइनस वन ओवर ज़ीरो आर ज़ीरो ओवर ज़ीरो, ये सब कुछ करके दिखाया जा रहा है। बच्चा ओरल यहाँ से देख सकता है कि जब यहाँ ज़ीरो लगेगा ये वाली लिमिट, तो आंसर आपका ये बना। यूँ ही आंसर की आपको समझ आ गई कि ये तो ज़ीरो बाई ज़ीरो बन गया है, तो फिर क्या हल है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर हल कर दिया, e की पावर x का e की पावर x, उस अगले वाले का तो ज़ीरो होना है, ये कांस्टेंट का वो लिख के क्या करना है, नीचे जो x आ रहा है उसका नीचे डेरिवेटिव वन हो गया। अब आप लिमिट पुट करेंगे जो x अप्रोच टू ज़ीरो है ये वाली, तो e की पावर ज़ीरो वन हो गया, बटे के नीचे तो पहले ही वन है, सो आंसर आपका ये रहा। चलिए जी, दी फंक्शन दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूटी के हवाले से पहले भी क्वेश्चन आ चुका। ज़ाहिर है ये छोटी सी स्टेटमेंट बदलते हैं एक्स वगैरह की और फिर से क्वेश्चन पुट कर देते हैं। ये देखिए, कंटिन्यूटी का तरीका होता है लिमिट एग्जिस्टेंस वैल्यू डिफाइंड, लिमिट और वैल्यू बराबर। नॉट कंटिन्यूस कहा है, नॉट कंटिन्यूस जहाँ ये वैल्यू डिफाइन ना हो। कहाँ डिफाइन नहीं होगी, जहाँ ये समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, वहाँ किसी फंक्शन की लिमिट अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो रही है। तो कब होगा ऐसा, जब हम इस डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये आंसर टू ओवर ज़ीरो, क्योंकि ये भी ज़ीरो, टू ओवर ज़ीरो आंसर हो गया अनडिफाइंड। तो ज़ीरो पर आंसर डिफाइन नहीं हुआ, कन्फर्म हो गया फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, सो दैट्स इट। ये वो नंबर है जिस जगह फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़िए, एफ इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट इफ, लिमिट और वैल्यू, ये इधर बता दिया लिमिट, इधर बता दी ए पर वैल्यू, ये आपका ऑप्शन है। यानी कि लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जब लिमिट यूँ लिखी गई है तो अंडरस्टूड एग्जिस्ट करती है। चलिए जी, 98 क्वेश्चन नंबर पर हम पहुंच चुके। तो 98 में आपको तरतीब समझाई थी कि वन प्लस आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, वन ओवर थ्री एन मल्टीप्लाई बाई एन पावर, और जो वन के प्लस के साथ आया, जब उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला वन ओवर थ्री। ये आंसर आपने e की पावर में लिख देना है, ये आंसर आपने e की पावर में लिख देना है, दैट्स इट। ये इनके इतने इतने ही काम हैं। चलिए जी, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, अब ऊपर ज़ीरो नीचे साइन ज़ीरो और ज़ीरो, ये लें,
ठीक है। वेरी सिंपली अब आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इस सेंस में आपको अब ये यानी कि डेरिवेटिव हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेरिवेटिव कंपैरेटिवली लेंथी हो जाएगा। लेंथी किस तरह से हो जाएगा? एक हिस्सा आपका नीचे प्रोडक्ट रूल बनाएगा, तो प्रोडक्ट रूल में आपको समझ आ रही है थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, तो आप इसके दो पार्ट्स कर लें, इतना अलग कर लें, इतना अलग कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले की लिमिट हो गई वन, डेरिवेटिव वन, नीचे वाले का कॉस सेवन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव सेवन। इसी तरह जब इस अगले वाले को हल करेंगे, ऊपर वन, नीचे कॉस आपका हो गया फाइव एक्स इंटू फाइव, तो अब ये दोनों ज़ीरो हो जाने हैं, वन हो जाने हैं, तो सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव। ठीक है, इस तरह आप अलग अलग लिमिट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट के ये रूल मौजूद हैं सेपरेट डील करने के लिए। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इनवर्स से रिलेटेड है। इनवर्स का मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ है, बच्चे अगर कर सकते हैं तो कर लें, मैं इंशाल्लाह बस ये तकरीबन एक आध लेक्चर और रह गया, उसके बाद स्पेशल इनवर्स पे लेक्चर दिया जाएगा, उसमें ये सारे इनवर्स वाले क्वेश्चन एक एक करके डील कर दूँगा। ये इससे आगे भी इसी तरह का है, इनवर्स ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 102 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस फोर, हमने इस एक्स की जगह क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है एक्स बाई एक्स स्केयर प्लस फोर। तो राइट साइड पर भी जब हम एक्स की जगह एक्स स्केयर प्लस फोर रिप्लेस करेंगे, तो आपको स्टेटमेंट ये मिल जाएगी रूट के अंदर। जब यहाँ x की जगह एक्स स्केयर प्लस फोर करेंगे, इस x की जगह भी एक्स स्केयर प्लस फोर करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास एक्स स्केयर प्लस एट का रूट मिल जाएगा। सो दैट्स इट, जस्ट रिप्लेसमेंट है। द आउटपुट ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट। जब हम किसी आउटपुट की बात करते हैं उसको रेंज कहते हैं, और रेंज का दूसरा नाम ये इमेज भी होता है। डोमेन का नाम प्री इमेज, जबकि रेंज का नाम इमेज, जिस पर उसके आंसर बनते हैं वो इमेज कहलाती है। हाँ जी, द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी, जो क्वेश्चन नंबर 104 है, ये बच्चे ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपकी बुक में से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, असल में शार्ट क्वेश्चन का लेवल है। वो शार्ट क्वेश्चन आप अगर डील करने की कोशिश करेंगे एज ए शार्ट क्वेश्चन, तो आपको ये आंसर चॉइस भी मिल जाएगा और शार्ट क्वेश्चन हल करने का रास्ता भी मिल जाएगा। चलिए जी, उसके आगे बढ़ते हुए, टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये जिस वक्त मैंने लेक्चर आज का स्टार्ट किया था तो उस वक्त ही बात बता दी थी ना, ये देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये आंसर टू इधर आ जाएगा। जब यहाँ पर कॉस कर देंगे तो इतना की फ़र्क पड़ेगा, इधर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ठीक है, टू वही इधर आ जाएगा। ये देखें, ये वो फ़र्क हैं जब एग्जामिनर पुराने पेपर्स उठाता है उनमें से इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस करता है, तो बच्चा वहीं से डिस्टर्ब ना हो बल्कि इनके आंसर देने की पोजीशन में आए। हाँ जी, सो कॉस हाइपरबोलिक के हवाले से आपका ये इशू। उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन सामने आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स देखें क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स। काम इतना लेंथी नहीं है क्योंकि बच्चे को समझाने की अब बात हो रही है, इसलिए वो सब स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ये आपका हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन दोनों को ऐड करने की बात हुई है। जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका ये इशू बन जाएगा, तो राइट साइड पे आपको ये कटते हुए नज़र आएंगे, कॉस और कॉस मिलके क्या हो जाएंगे, टू कॉस एक्स, ये रहा। इसी तरह से अब तो हो गया प्लस वाला क्वेश्चन,
भाई अगर ये माइनस का पूछ लिया जाए ऐसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। तो ऐसा करने से आंसर आपका 2 sin x हो जाएगा। यही डिफरेंसेस है ना, ये 2 sin x भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उन्होंने इस तरह की चेंजेस करनी होती हैं। उस वक्त बच्चा खाम खा परेशान होने बैठ जाए तो कोई इलाज नहीं है। हाँ जी आगे बढ़िए। फंक्शन दिस ix = x इज कॉल्ड, ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, जब डोमेन और रेंज एक जैसी आ जाए या आपका y = x हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ जी ये फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये डेफिनेशन मैं बोल के पहले बता चुका हूँ, जब आपको किसी जगह पे सॉल्व करके दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एक्सपोनेंशियल, तो बोल के डेफिनेशन बता दी थी। अब ये वर्ड्स में लिखी हुई डेफिनेशन आपके सामने है। हाँ जी ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक इक्वेशंस अब आपको यहाँ से समझ आ रही हैं, जिसमें 1 power 2 है 1 power 1 है, वो किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। तो आपको यहाँ से भी वो चीज़ समझ आ रही है जिसमें 1 variable की power 2 है 1 variable की power 1 है। घुमा फिरा के यहाँ सर्कल हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स यूं वर्ड्स लिखे हुए हों फिर भी आपको समझ आ सकती है। ये उनकी इक्वेशंस लिख दी हैं, इक्वेशंस लिखने में ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, ये कॉनिक सेक्शन में चलता है काम, ये एलिप्स की हो गई, ये हाइपरबोला की हो गई, हाइपरबोला ये आपकी हो गई है एलिप्स, ये आपका हो गया है सर्कल। यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना आसान था कि 1 variable की power 2 है 1 की 1 है, तो वो इसी को सेटिस्फाई करेगा विच इज़ पैराबोला, ठीक हो गया। हाँ जी कॉज हाइपरबोलिक एक्स ये सिंपल डेफिनेशन हो गई, ये इसी क्वेश्चन नंबर 105 का ही लिंक है। ये डिपेंड कर रहा ना कि पुराने पेपर में एग्जामिनर ने कभी 2 उधर लगवा दिया कभी इधर लगवा दिया, तो मुझे अब क्या 10-10, 20-20 seconds लग रहे हैं इन चीज़ों को डील करते हुए। बच्चे के पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि वो कैसे कैसे इनको डील करेगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 ये पेरीमीटर इसको सरकमफ्रेंस में शो कैसे करना है। 112 वाई इज़ इमेज अंडर एक्स देन एफ इज़ कॉल्ड, इसको राइट करने का तरीका है ये क्वेश्चन नंबर 112। हाँ जी यहाँ तक मैं वाइंड अप करके इस क्वेश्चन नंबर 113 से आगे अब काम शुरू कर रहे हैं, फ़िलहाल यहाँ पे ये क्लोज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।